लॉकडाउन के बाद भी निजामुद्दीन मरकज में भीड़, 7 की मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। यहां हजरत निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीग जमात में 1400 लोग 14 मार्च के बाद भी यहां इकट्ठा थे, जिनमें से 860 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जबकि 300 लोगों की और व्यवस्था की जा रही है। वहीं इससे बुरी खबर यह है कि इस जमात में शामिल हुए 6 लोगों की तेलंगाना में और एक मौलवी की श्रीनगर में मौत हुई है। अंडमान में भी 10 लोगों की संक्रमण की पुष्टि हुई है, इनमें से 9 लोग यहां मरकज में शामिल हुए थे। 10 वहीं संक्रमित महिला भी, इन्हीं में से एक पत्नी है। आपको बता दें, इस जमात में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित मरकज में मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और किर्गिस्तान सहित 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने 1 से 15 मार्च तक तबलीग जमात में हिस्सा लिया था। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तबलीगी जमात की अगुवाई कर रहे मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है और आसपास के कॉलोनियों में घर घर जाकर कोरोना वायरस का पता लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था है। कोरोना वायरस को लेकर उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसकी जानकारी देने वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आते हैं, लेकिन उनके प्रशासन को यह क्यों ध्यान नहीं गया कि समय रहते यहां इकट्ठा लोगों को कहीं आइसोलेशन में भेजा जाए। गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय के पास इस बात की भी जानकारी थी कि विदेशों से इतनी बड़ी संख्या में नागरिक इकट्ठा होते हैं, तो फिर इस खतरे को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करने का, इनको लॉकडाउन के ऐलान के बाद क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, जब कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने DM एक्ट के तहत पूरी अपनी कमान अपने हाथ में ले लिया है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से भी बड़े बड़े दिशा निर्देश आ रहे हैं, तो विदेशियों की आवाजाही और यहां भीड़ की जानकारी होते हुए भी उदासीनता क्यों बढ़ती गई? क्या मौलाना ने भी अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाया जब उनको पता था कि यह बीमारी विदेशों से आ रही है, तो उनको इस तरह के आयोजन को रद्द करना चाहिए था? साथ ही क्या इस बात की सूचना उन्हें प्रशासन को दी थी, यहाँ अभी और लोग इकट्ठा हैं, इनकी व्यवस्था की जाए, साथ ही वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो लापरवाही बरतते हुए यहाँ पर इकट्ठा थे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए द वंदे भारत। धन्यवाद।